फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटे हैं? चार भागों में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल। और आदिकाल का समय है 1000 से 1350, और भक्ति काल का समय है 1350 से 1650, और रीति काल का समय 1650 से 1850, और आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक। तो देखिए दोस्तों, आदिकाल का समय 1000 से 1350 ईस्वी, और भक्ति काल का समय है 1350 से 1650, और रीति काल का समय 1650 से 1850, और आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक। तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे ही आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऐसे ही आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऐसे ही आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? वीरगाथा काल किसने कहा? ऐसे ही आदिकाल को विद्युत काल किसने कहा? ऐसे ही आदिकाल को सिद्ध साहित्य काल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल नाम तो दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऐसे ही आदिकाल को चारण काल का रामकुमार वर्मा ने। और वीरगाथा काल का रामचंद्र शुक्ल ने। और विजय काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और सिद्ध साहित्य काल कहा राहुल सांख्यान ने। तो चारण काल का रामकुमार वर्मा ने, और वीरगाथा काल का रामचंद्र शुक्ल ने, और बीजक काल का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और सिद्ध साहित्य काल कहा राहुल सांख्यान ने। तो ठीक है दोस्तों, और आदिकाल के पांच ग्रंथ है। तो देखिए दोस्तों, आदिकाल को पांच ग्रंथों में बांटा गया है। कितने ग्रंथों में बांटा गया? पांच ग्रंथों में। पहला है सिद्ध साहित्य,
दूसरा है जैन साहित्य, जैन साहित्य। तीसरा है रास साहित्य। और चौथा है नाच साहित्य। और पांचवा है लौकिक साहित्य। पांचवा है लौकिक साहित्य। तो आदिकाल के पांच ग्रंथ है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रास साहित्य और नाच साहित्य और लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य में आते हैं बौद्ध ग्रंथ। और जैन साहित्य में आते हैं जैन ग्रंथ। और रास साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ। और नाच साहित्य में आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ हमारे यहां गद्य साहित्य के पहले कवि हैं, गद्य साहित्य के पहले कवि हैं। और लौकिक साहित्य में मध्यकाल के पहले की कवि, लौकिक साहित्य में आते हैं मध्यकाल के पहले की कवि। तो आदिकाल को पांच ग्रंथों में बांटा है। सिद्ध साहित्य को कहते हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य को कहते हैं जैन ग्रंथ, और रास साहित्य को कहते हैं राजस्थानी ग्रंथ, और नाच साहित्य को कहते हैं गोरखनाथ, जिसमें जो गद्य साहित्य के पहले कवि हैं, और लौकिक साहित्य में आते हैं तो मध्यकाल के पहले के कवि आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगर हम आदिकाल के कवियों की बात करें तो आदिकाल के कवि को याद करने की एक ट्रिक है। देखिए दोस्तों, आदिकाल की हमें कवियों को याद करना है तो एक ये ट्रिक है, हमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, तो हमीर का होता है हमीर खुसरो। और चंद का होता है चंद्र प्रदाई। और विद्या का होता है विद्यापति। ओ नाले में होता है नरपति नाल। नरपति नाल है। ओ जागिरी का मतलब होता है जगनिक। तो जगनिक, तो हमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, तो हमीर का मतलब होता है हमीर खुसरो, चंद्र का अर्थ होता है चंद्र प्रदाई, विद्या का होता है विद्यापति, और नाले में नरवती नाल, और गिरी है जो जगनिक। तो आज हम चर्चा करेंगे हमीर खुसरो की। देखिए दोस्तों, आज हम आदिकाल के पहले कवि हमीर खुसरो की बात करते हैं। हमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली गांव में। और वे पटियाली गांव, उनका पूरा नाम है अब्दुल हसन जैनुद्दीन। उनका पूरा नाम है अब्दुल हसन जैनुद्दीन, और वे
बलबन के शासन काल के थे, वे बलबन के शासन के काल के थे, बलबन के शासन के काल के थे। उनका जन्म हुआ था पटियाली गांव में, उनका पूरा नाम था अब्दुल हसन येनुद्दीन, और वे बलबन के शासन के काल वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। उनको हिंदी हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, और उन्हें हिंदी और हिंदू और मुस्लिम के प्रतिनिधि भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने तबला सितारा का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने तबला सितारा का आविष्कार किया, और अमीर खुसरो तोतारे हिंद भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोतारे हिंद भी कहा जाता है, तोता हिंद भी कहा जाता है। और हमीर खुसरो है जो खड़ी बोली के पहले कवि थे, हमीर खुसरो है जो खड़ी बोली के पहले कवि थे। तो हमीर खुसरो की रचनाएं तो हम पढ़ेंगे अब, रचनाएं तो हमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियां आशिका, नजराना ए हिंद, तो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियां आशिका नजराना ए हिंद। आदिकाल का दूसरा कवि है, आदिकाल के दूसरे कवि हैं चंद्र प्रदाई, आदिकाल के दूसरे कवि हैं चंद्र प्रदाई, और चंद्र प्रदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। ये चंद्र प्रदाई हैं जो वीरगाथा काल के पहले कवि हैं, वीरगाथा काल के पहले कवि। और पृथ्वीराज रासो जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। पहला महाकाव्य तो हमारे तीसरे कवि हैं विद्यापति, विद्यापति ने तीन रचनाएं की थी। पहली है पदावली, दूसरी है कीर्तिलता, और तीसरी है कीर्ति पटाका। और हमारे आदिकाल के चौथे कवि हैं नरपति नाल है, उन्होंने विष्णुदेव रासो लिखी थी। तो हमारे चौथे कवि है नरपति नाल, जिन्होंने विष्णुदेव रासो लिखी।
इसमें इसमें एक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें एक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो हमारे पांचवे कवि हैं जगनिक। जिन्होंने परमाणासु लिखी थी, परमाणासु लिखी थी जिसमें महोबा के दो प्रसिद्ध जिसमें महोबा महोबा के दो प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आला व उदल। आला व उदल का वर्णन किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो था आदिकाल। हमारा अगला वीडियो होगा भक्ति काल का। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस। धन्यवाद।